नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। नए पुलिस कप्तान के आते ही नशा के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्यवाही। नशा का कारोबार करने वाले 3 गिरफ्तार, 1 महिला फरार, काफी मात्रा में नशीली दवाएं बरामद। कटनी से शहडोल नशे का कारोबार करने वाले नशे के सौदागर को शहडोल पुलिस ने पकड़ा है। उसके पास से नशे की बड़ी खेप जब्त की है। वही नशे के इस कारोबार से जुड़े शहडोल के 2 अन्य लोगों के गिरफ्तार किया गया है, तो वही एक महिला अभी फरार है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। नशे का कारोबार करने वाले कटनी जिले के केलवारा निवासी विनोद कोरी द्वारा नशे की सामग्री लेकर शहडोल में बेचे जाने की सूचना पर नवागत SP अवधेश गोस्वामी ने पुलिस टीम गठित कर घेराबंदी कर रेड किया, तो विनोद कुमार कोरी निवासी केलवाड़ा कटनी, लक्की दाहिया एवं अमित उर्फ टिंकू अग्निहोत्री दोनों निवासी पुरानी बस्ती शहडोल के मौके पर धर दबोचा। जिनके पास से 361 नग फेनारगन, क्यूपिन जेंसिक एवं रेक्सो जैसे नशीले इंजेक्शन एवं 1000 नग नाइट्रिट टेबलेट पाए गए, जिसको रखने एवं बेचने के संबंध में उक्त व्यक्तियों के पास कोई वैध कागजात नहीं पाए गए, जिसे मौके से उक्त व्यक्तियों से विधिवत जब्त किया गया। गिरफ्तार व्यक्तियों ने पूछताछ पर बताया कि शहडोल व उसके आसपास के क्षेत्र में काफी युवा वर्ग के लोग उक्त इंजेक्शनों का प्रतिदिन सेवन करते हैं, तथा प्रायः विनोद कोरी उक्त इंजेक्शन कटनी से लाकर उक्त व्यक्तियों के माध्यम से देते हैं। सुषमा नाम की महिला भी इसमें संलग्न है, जो विभिन्न क्षेत्रों से नशीले इंजेक्शन एवं गोलियां लाकर इन व्यक्तियों को दिया करती है। पकड़े गए नशे के कारोबारियों के खिलाफ धारा 5/13 मध्य प्रदेश ड्रग कंट्रोल एक्ट 1949 एवं 21.2 NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही की है। शहडोल से अविनाश शर्मा की रिपोर्ट, देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार। 2000 रुपये माफी, लेकिन हम लोगों को ये शंका हुई कि ये तो इन्होंने बड़े सीज कराए, और बैंक से जब ये जानकारी ली तो अभी हमें प्राइमर फेसी वो सस्पिशियस मिले, चूँकि इनके खाते में, इनके 3 खाते थे, इनके खाते में चूँकि पैसा ट्रांसफ़र होता है, तो वो मेरा ऐसा अनुमान है कि किसी पद्धति से उन्होंने जो है वो ठगा हुआ। तो उसमें दोनों आरोपी गिरफ्तार